तो क्योंकि आपका पहला दिन है और बहुत एक और आई थिंक फैमिली आज नई आई है, तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, खासकर जब हम पहले दिन इस सेशन में बैठते हैं, ठीक है। ये रोज होती है मीटिंग सर, ठीक है। ये इसलिए होती है कि ताकि फैमिली समझ सके कि हमारे पेशेंट को बीमारी क्या है और वो क्यों ऐसे कर रहा है। अगर हमारा एडिक्शन का पेशेंट है तो नुकसान होने के बावजूद भी वो नशा करी जा रहा है, ठीक है, अजीब अजीब सोचें आ रही है। कोई दूसरे पेशेंट है, ओसीडी के पेशेंट है, तो वो बार बार एक ही काम करते जा रहे हैं, एक ही बात चीज बोलते जा रहे हैं। क्यों हमारे पेशेंट्स को आवाजें सुनाई देती है, क्यों हमारे पेशेंट्स को लगता है कि अंदर कोई आवाज बोल रही है कि ऐसे करो या ऐसे करो, क्यों हमारे पेशेंट्स को चीजें और लोग दिखना शुरू हो जाते हैं, क्यों हमारे पेशेंट्स को जरूरत से ज्यादा डर या शक हो जाता है, जैसे कोई उनको देखता है तो उनको लगता है वो कुछ कर देंगे उनको, है ना। क्यों हमारे पेशेंट चिड़चिड़े होते हैं जरूरत से ज्यादा, क्यों हमारे पेशेंट जरूरत से ज्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं चीजें अब मैंने बताई, ये दिमागी बीमारी के लक्षण है, ठीक है। और ये इसलिए होता है, उसको समझने के लिए हम सबको समझना पड़ता है कि ये दिमाग का अस्पताल है, ठीक है, और दिमाग ही सब कुछ करता है, हमारा सोचना, बोलना, उठना, जिंदगी कैसे हम जीते हैं, वो सब कुछ दिमाग करता है। तो जब दिमाग खराब हो जाता है, जैसे शरीर के बाकी हिस्से भी खराब होते हैं, तो जब दिमाग खराब होता है तो ये लक्षण आते हैं, ठीक है। तो ये आपके मदर नहीं कर रहे, ये उनका खराब दिमाग कर रहा है, और जैसे जैसे दिमाग ठीक होता जाएगा वैसे वैसे ये लक्षण कम होते जाएंगे, ठीक है। अब दिमाग कैसे खराब होता है, तो उसको हम इस तरीके से समझते हैं कि दिमाग में केमिकल होता है ना। जैसे शरीर में खून होता है, किसी का खून कम हो जाता है तो तकलीफ होती है, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो तकलीफ होती है, किसी की शुगर कम हो जाती है, तो इसी तरह से बाबा जी ने हमारे दिमाग में जो केमिकल बनाया है ना रसायन, वो भी एक मात्रा में है। तो अगर वो मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, अगर वो मात्रा घट जाएगी तो भी तकलीफ होगी, ठीक है। तो आप दवाइयां देके आपके मदर के दिमाग के वो जो केमिकल है जो बढ़ गए हैं उनको कम किया जा रहा है, ठीक है। अब जो दिमाग में केमिकल्स की बाढ़ आ गई है ना पूरा, कि समझ नहीं आता, अजीब अजीब बातें करना, तो वो जो दिमाग में सोचों की खिचड़ी बन गई है वो केमिकल की खिचड़ी बन गई है, ठीक है, उनको साफ किया जा रहा है। तो जो भी पेशेंट यहाँ पर बैठता है वो दिमागी बीमारी का मरीज है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो ओसीडी है, बाइपोलर है, एडिक्शन नशे की बीमारी है, कोई भी बीमारी है, इलाज यहाँ दिमाग का ही हो रहा है। अब किसी भी कारण से दिमाग खराब हुआ मगर इलाज का तरीका वही है, ठीक है। तो बाकी आपके साथ कल अलग बैठ के कि इस बीमारी को क्या कहते हैं, इसमें इसके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, और हमारा क्या रोल है, परिवार क्या कर सकता है, ठीक है, वो वाली चीज हम अंडरस्टैंड करेंगे। और ये जो मीटिंग होती है, जो पेशेंट नए नए आए होते हैं ना, क्योंकि अभी दिमाग समझ उनकी ठीक नहीं होती तो वो नहीं समझ सकते, इसलिए उनके परिवार वालों को यहाँ बिठाया जाता है कि आप समझो, आप बीमारी के बारे में जानो, लक्षण पहचानो और इलाज क्या होता है आप करवाओ, ठीक है। और आपको भी उलझन होती है, पता नहीं क्यों करते जा रहे हो, देखो कितने साल हो गए, है ना, आपके मदर को टॉर्चर ही होते हुए इतने साल हो गए, तो उससे आप भी तकलीफ में आ गए, है ना। कभी कभी जो परिवार के सदस्य हैं वो भी खिंचने लगते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं समझते हैं। तो ये वाली सारी चीजों का जवाब हमें यहाँ पर बैठ कर मिलता है।